स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, 7 जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करता हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है, उसी का यूज होगा, तो आप खुद भी करके देखें। इज सेंड एस एंड एस लिखा हुआ है, ये एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स एन एस इक्वल टू 21 कॉमा एन टी टी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 11 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स एस यूनियन हैव, तो हमें निकालना क्या है बेटा, एस यूनियन ऑफ टी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, फार्मूला आप यूज करिएगा। एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। सॉल्व कर दीजिएगा, एन एस कितना है 21 प्लस 32 माइनस 11 कितना हुआ, ये 353 हो गया, ये माइनस 11 माइनस कर दीजिए कितना आ गया 2442 एन एस यूनियन टी। नंबर टोटल नंबर ऑफ यानी यूनियन जो निकल के आ गया हमारा कितना आ गया, एलिमेंट्स कितने होंगे 42 एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, इसमें भी वही है, सेम क्वेश्चन है बेटा, एन एक्स इक्वल टू 40 एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई हैज़ एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन दिया हुआ है वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10 एलिमेंट्स। हमें चाहिए कि वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एन वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, वही लगाना है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स यूनियन वाई कितना दिया है हमें 60, एन एक्स कितना है 40 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन, ये तो हमें निकालना है माइनस 10। ओके, तो 40 में से 10 निकाल दीजिए पहले, तो कितना आ गया 30 प्लस एन बाई, और इधर कितना है 60। अब देखिए सेपरेट द वेरिएबल्स, क्या करना होगा, 60 माइनस 30 इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाई सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाई सेट 60 में से 30 माइनस कर दीजिए, दिस इज माई राइट आंसर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाई सेट्स इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो ये 70 पीपल का ग्रुप है, यानी टोटल दिया हुआ है 70, 37 लाइक कॉफ़ी। ओके, तो लेट सी सेट सी डिनोटेड बाई सेट हु लाइक कॉफ़ी एंड टी डिनोटेड सेट हु लाइक टी। ओके, तब लिखना होगा हमें एन सी यूनियन टी, टोटल कितना दिया हुआ है 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी, तो एन सी इक्वल टू 37 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे लिखते हैं, एंड एन 52 लाइक टी, तो एन टी कितना हो गया 52 हो गया तुम्हारा। अब ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, तो हमें निकालना है एन सी इंटरसेक्शन टी, बोथ को कौन कौन लाइक करता है, कॉफ़ी एंड टी, तो क्या फॉर्मूला था, वही डायरेक्ट लगा दीजिएगा, सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी
माइनस एन सी यूनियन टी। सी कितना है 37 प्लस 52 माइनस 70, प्लस कर दीजिए 989 माइनस 70, ओके माइनस करिए कितना आ गया 19। तो हमारा निकल के आ गया आंसर सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी इज 19। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज का। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, इसमें भी हमने क्या किया कि सेट को लेट कर लिया, लेट सी डिनोटेड द सेट हु लाइक क्रिकेट, ओके एंड 10 लाइक टेनिस। तो क्या बोल रहा है, ये टेनिस भी है तो टी को टेनिस मान लो, टी डिनोटेड द सेट हु लाइक प्ले टेनिस, ओके। अब देखिएगा एन कितना दिया हुआ है, एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू 65, एन सी कितना दिया हुआ है आपको 40, एंड बोथ क्रिकेट एंड टेनिस एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो हमें कितना चाहिए, एन सी चाहिए, एन टी, ओके। तो एन टी निकालने के लिए फार्मूला यूज करिए, सी यूनियन टी इक्वल्स टू सेम फार्मूला वही लग रहा है, प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। इसका वैल्यू कितना है 65, इसका मान कितना है 40, प्लस एन टी हमें चाहिए माइनस 10। 40 में से 10 गया 30 प्लस एन टी, ओके 65। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, एन टी। तो जब एन टी निकालेंगे तो 65 माइनस 30, तो एन टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, एन टी इक्वल्स टू 35, ओके दिस इज माई राइट आंसर। नंबर ऑफ पीपल हुज लाइक टेनिस 35। स्टूडेंट्स यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल वीडियो को शेयर करें जिससे दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए, ओके स्टूडेंट। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अदरवाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।